आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सफेद, 3 इंच लंबी और एक बच्ची की उंगली जितनी चौड़ी। बात हो रही है सिगरेट की, जो दुनिया भर में शायद सबसे ज्यादा बदनाम प्रोडक्ट है। इस साल बजट में सिगरेट लवर्स के लिए बुरी खबर भी आई। सिगरेट के दाम बढ़ने से स्मोकर्स दुख में डूब गए हैं। उनका दर्द सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है। सिगरेट लवर्स आपस में भी बात कर रहे हैं कि सारे चाकू की धार हमारे ही गले आकर लगनी थी क्या, मतलब हमको कोई खुश देखना ही नहीं चाहता है। कई लोगों ने तो ये भी बोला कि ये तो घोर नाइंसाफी हो गई, टमाटर पर 10 रुपये बढ़ा दिए जाए तो हंगामा हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं बोलता। तो ये तो खैर दूसरी बात हुई कि टैक्स बढ़ाने पर लोगों के इस तरह के रिएक्शंस आए, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और किसी को भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर हम इससे परे देखें तो क्या आप ये जानते हैं कि सिगरेट आखिर किसने बनाई थी, इसका आविष्कारक कौन था और कैसे सिगरेट के एडवर्टीजमेंट पहले होते थे और अब इसमें कैसा बदलाव आया है? तो आज के ज्ञान ध्यान में बात इसी पर। तो एक ऐसा भी दौर था जब दुनिया को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों की जानकारी नहीं थी। लोग एयरप्लेन और यहाँ तक कि अस्पताल में भी तंबाकू का सेवन करते दिख जाते थे। फिर जैसे जैसे तंबाकू के ऊपर शोध बढ़ा तो पता चला कि इसके कितने हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। साल 1987 में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया कि हर साल 31 मई को नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाएगा। पुरातत्व शोधों के मुताबिक तंबाकू का इस्तेमाल सबसे पहले 12,300 साल पहले हुआ था नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहां के मूल निवासियों से उसे पहली बार तंबाकू मिला। इसके बाद जहाजी तंबाकू को यूरोप ले गए। ये दांत के दर्द और चोटों के इलाज में काम करता था और तब यूरोप में ये मान्यता बनी कि तंबाकू हर चीज का इलाज कर सकता है। माना जाता है कि भारत में तंबाकू पुर्तगालियों के साथ पहुंचा था। ऐतिहासिक रूप से तंबाकू की खेती सबसे पहला जिक्र जो है वो दक्षिण भारत में मिलता है 1604-5 के आसपास। ये तो तंबाकू की बात हुई, लेकिन इसे सिगरेट में किसने तब्दील किया? तो जब बात सिगरेट बनाने की हो तो अमेरिका के जेम्स बुकानन ड्यूक सिगरेट के आविष्कार के लिए जिम्मेदार थे। जेम्स बुकानन ड्यूक न सिर्फ सिगरेट को उसका मौजूदा स्वरूप देने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उन्होंने सिगरेट की मार्केटिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी अहम भूमिका निभाई, जिससे सारी दुनिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। साल 1880 में 24 साल की उम्र में ड्यूक ने हाथ से बनी सिगरेट के कारोबार में कदम रखा, जो उस समय बहुत व्यापक नहीं था। उत्तरी कैरोलिना के डरहम शहर में कुछ लोगों ने मिलकर ड्यूक ऑफ डरहम नाम से सिगरेट बनाने की शुरुआत की, जिसके दोनों कोनों को मोड़कर सील किया जाता था। 2 साल बाद ड्यूक ने जेम्स बॉनसैक नाम के एक युवा मैकेनिक के साथ काम करना शुरू किया, जिसका कहना था कि वो मशीन से सिगरेट का उत्पादन कर सकता है। ड्यूक को बॉनसैक की इस बात में कारोबार का एक बढ़िया मौका दिखा। उन्हें यकीन था कि हाथ से बनी छोटे बड़े आकार के सिगरेट की जगह लोग मशीन से बनी एक ही आकार के सिगरेट पीना पसंद करेंगे। साथ ही उस वक्त ड्यूक के कारखाने में जहां लड़कियां एक शिफ्ट में हाथ से लगभग 200 सिगरेट बनाती थी, वहीं इस नई मशीन से एक दिन में 1,20,000 सिगरेट तैयार होने लगी, जबकि उस समय अमेरिका में सिर्फ 24,000 सिगरेट की ही खपत होती थी। समस्या अब ये थी कि सिगरेट का उत्पादन तो ज्यादा हो गया, लेकिन बिक्री कम हो रही थी। इसीलिए ड्यूक को अब सिगरेट बेचने के तरीके खोजने थे। तो उसका तरीका कैसे निकला, सूरज कुमार से सुनिए। वो तरीका था विज्ञापन और मार्केटिंग का। जेम्स ड्यूक नाम के एक शख्स थे, उन्होंने फिर सौंदर्य प्रतियोगिताओं में मुफ्त सिगरेट बांटना और ग्लॉसी प्रतियोगिताओं में विज्ञापन देना शुरू किया था। 1989 में सिगरेट की मार्केटिंग पर उन्होंने $800,000 खर्च किए थे। एकाकार सफाई से बनी सिगरेट और उनकी सही प्रचार, ये दो वजहें थी जेम्स ड्यूक की शुरुआती सफलता की। एक विज्ञापन में इसी बात पर जोर दिया गया कि हाथ से और थूक के इस्तेमाल से बनाई जाने वाली सिगार, उसके मुकाबले मशीन से बनाई जाने वाली सिगरेट ज्यादा साफ सफाई से बनाई जाती है। और जेम्स ड्यूक की उम्मीद के मुताबिक लोगों को मशीन से बनी सिगरेट ही ज्यादा पसंद भी आई। और साल 1902 में उन्होंने ब्रिटेन की इंपीरियल टोबैको कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको नाम की कंपनी स्थापित की।
इसके बाद कंपनी द्वारा जो सिगरेट बनाई जाती थी उसमें कोई बदलाव नहीं होता था, केवल अलग अलग कस्टमर्स के हिसाब से उनकी जो पैकेजिंग है और फिर मार्केटिंग है उसकी रणनीति बदली जाती थी। एक और बात, वाल्टर रालेह को ब्रिटिश द्वीपों में तंबाकू पेश करने का श्रेय दिया गया है, लेकिन ये पहले से ही 1570 के दशक की शुरुआत में यहाँ उगाया जा रहा था। कहा तो ये भी जाता है कि उसने महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट को एक पाइप की पेशकश की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान धूम्रपान की लोकप्रियता वास्तव में बढ़ गई थी। सिगरेट एक सैनिक के राशन का एक अनिवार्य हिस्सा था और ब्रिटिश प्रिंसेस मैरी गिफ्ट फंड ने क्रिसमस 1914 के लिए सैनिकों को 400,000 से ज्यादा तंबाकू और सिगरेट के डिब्बे भेजे। आज देखिए दुनिया भर में धूम्रपान बढ़ रहा है। हालांकि दुनिया के अमीर हिस्सों में धूम्रपान कम हो रहा है, लेकिन विकासशील देशों में सिगरेट की मांग हर साल 3.5% की दर से बढ़ रही है। पर आपको पता है सिगरेट से स्वास्थ्य खराब होता है, इसका लोगों को 16वीं सदी तक नहीं पता था। निकोटिन का नाम जो कि तंबाकू में पाया जाता है, जो सिगरेट्स में पाया जाता है कंपाउंड, वो 16वीं सदी के फ्रांसीसी विद्वान जीन निकोट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसके औषधीय गुणों को बढ़ावा दिया था। एक बात और है हैरान करने वाली, वो ये कि आज जो हम स्मोकिंग के एडवर्टीजमेंट देखते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पहले ऐसा नहीं था। 1940 के दशक में तंबाकू कंपनियां अपने सिगरेट्स के एडवर्टीजमेंट्स के लिए डॉक्टरों और डेंटिस्ट को हायर करती थी ताकि इससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कम किया जा सके। स्लोगन भी कुछ ऐसे ही होते थे विज्ञापन के, जैसे जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड और मोर डॉक्टर स्मोकिंग कैमल्स। इस तरह से तंबाकू कंपनियों ने लोगों को गुमराह किया, ये दिखाते हुए कि चिकित्सक भी यानी डॉक्टर भी धूम्रपान करते थे और ये सिगरेट आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक थी। फिर आया 1950 और 60 का दशक। तंबाकू कंपनी ने टीवी प्रोग्राम को खरीदा और ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज यानी जो मशहूर हस्तियां थी उनसे सिगरेट्स का एंडोर्समेंट करवाया। इसके बाद 1990 के दशक में तंबाकू कंपनियों ने बच्चों के लिए तंबाकू की अपील को बढ़ाने के लिए जो कैमल जैसे कार्टून छपवाए। इसके बाद एडवर्टीजमेंट पर बैन लग गया और आज हम स्मोकिंग को एक तरह से देखते हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कि वाकई है और किसी को भी इसकी लत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि WHO भी इसको लेकर कई बार चेतावनियां जारी कर चुका है। WHO ने ये चेतावनी दी है कि अगर स्मोकिंग रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो अगले 30 साल में 10 करोड़ से ज्यादा लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से मर सकते हैं। ये संख्या एड्स, कार दुर्घटना और आत्महत्या से होने वाले कुल मौतों से ज्यादा है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान पॉडकास्ट, जिसमें हमने आपको सिगरेट के इतिहास के बारे में बताया। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें मेल करिए radio@aajtak.com पर। बाकी अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास, किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।